नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अयोध्या में भूमि पूजन का वक्त बेहद करीब आ गया है। 5 अगस्त को पीएम जाएंगे अयोध्या और 2 तारीख को योगी रामनगरी जाकर वहां पर जायजा लेंगे। लेकिन इससे पहले अफसरों की टीम अयोध्या में हालात का जायजा ले रही है। अयोध्या इस समय पवित्र पीले रंग में रंगा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को देखते हुए घर से ही भूमि पूजन को लाइव देखें, घर पर दिए जलाएं और रामायण का पाठ करें। योगी ने कहा कि मंदिरों में रामायण का अखंड पाठ होगा और फिर याद किया कि बरसों के संघर्ष के बाद यह शुभ घड़ी आई है। तो आम लोग घर में ही रहकर पूजा पाठ करें, 4 और 5 तारीख को रामायण का पाठ घरों में ही किया जाए, लेकिन देव मंदिरों में पूजा अर्चना की तमाम तैयारियां की जाएंगी। पूर्वजों को याद करें, सभी लोग अपने घर में रहकर और श्रद्धा भाव से इस कार्यक्रम को लाइव टीवी पर ही देखें और अपने घरों में रहकर इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बनें। ये राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सीएम योगी की अपील है। चार और पांच तारीख को घरों में देव मंदिरों में दीप जलाए जाएं, पूर्वजों की पूजा की जाए। सरकार ने यह अपील की है कि इकट्ठा ना हो लोग, क्योंकि कोरोना के चलते संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में अति उत्साहित होकर सड़क पर ना निकल आए। ये देखिए तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वहां पर लड्डू बनने अभी से शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि स्टील के डब्बों में ये प्रसाद बांटा जाएगा, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। ये डब्बे मंगा लिए गए हैं, लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। वहीं जो ध्वजा है उसे भी तैयार किया जा रहा है और तमाम लोग इस पूरे आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। प्रसाद सामग्री बनाने में लोग लगे हुए हैं और काफी बड़ी संख्या में ये सामग्री बनाई जा रही है। पूरे अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है। भूमि पूजन के लिए अयोध्या किस तरीके से तैयार हो रही है, पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कैसे इतने बड़े स्केल पर ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जब भूमि पूजन होगा तब वहां पर बहुत ही कम संख्या में, या फिर यूं कहें कि सीमित संख्या में लोग मौजूद होंगे, संक्रमण को ध्यान में रखते हुए। दो गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। जो लोग आयोजन में शामिल भी हो रहे हैं वो मास्क लगाए रहेंगे और इन सभी चीजों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है और वहां पर लगातार लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। आम लोगों से भी कहा जा रहा है कि इस जगह पर जहां पर भूमि पूजन होगा वहां पर एकत्रित ना हो। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आप काफी दिन से वहां पर मौजूद हैं, जैसे जैसे 5 अगस्त की घड़ी नजदीक आ रही है हाथ और तेजी से चल रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं और रामधुनी तो रोज ही हम लगभग सुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिये अयोध्या की जो स्थिति है उसमें तैयारी जोर शोर से चल रही है। तमाम जो प्रशासनिक अमला है, प्रदेश का सबसे बड़ा डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सभी लोग अयोध्या में हैं और 5 तारीख की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त अयोध्या के एक मंदिर में हैं और आपको यहाँ का मूड भी दिखाते हैं, क्योंकि अयोध्या पूरी तरीके से पीले रंग में रंगी जा चुकी है और इस वक्त यहाँ पर जो माहौल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, लगातार गाना और भजन गुनगुना रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।